हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो गाइस, पिछला वीडियो जो मैंने शेयर किया था वो मैंने आधा ही शेयर किया था बिकॉज वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज के वीडियो में शेयर करूंगी डूज एंड डोंट्स एंड कुछ एक्सरसाइज टिप्स भी आपको दूंगी कि आपको नवरात्रि के टाइम पर जो आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हो या वेट लॉस रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि डाइट इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ वर्कआउट और कुछ डूज एंड डोंट, कुछ मिस्टेक्स हम अननोइंगली कर देते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हमको अच्छे और बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले आफ्टर 9 days ऑफ नवरात्रि। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैं आपसे व्रत के लिए एक पनीर की सब्जी जो है वो इजी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि आप व्रत में डेफिनेटली बना सकते हैं। प्रोटीन रिच है और बहुत टेस्टी और बहुत इजीली बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने होममेड पनीर को थोड़े से घी में इस तरीके से रोस्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने ले लिया टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से काजू। काजू को मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा सोक कर लिया था 15-20 मिनट के लिए और इन सबका एक साथ ही मैं पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि ये व्रत का है तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं डलेगा, तो इसलिए काजू या फिर बादाम, दोनों में से जो भी आपके पास हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। इससे इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाएगी और थोड़ी सी ग्रेवी को एक टेक्सचर मिल जाएगा। तो ये देखिए ग्रेवी कुछ इस तरीके की होगी। अब मैंने एक कढ़ाई में देसी घी ले लिया है। आप अगर देसी घी नहीं लेना चाहते तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि व्रत में और तो ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, इसलिए बस मैंने जीरा डाला है। और मसाला जो हमारा था उसको मैंने बस घी में डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर क्योंकि हम और बहुत सारे कोई मसाले नहीं डाल सकते, तो मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च से एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, आपको बैलेंस करके चलना है कि हरी मिर्च भी थोड़ी सी तीखापन दे दे और काली मिर्च का भी तीखापन बैलेंस हो जाए। तो बहुत ज़्यादा आप हरी मिर्च मत डालना, क्योंकि काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम इसमें लाल मिर्च भी नहीं डाल रहे हैं, कोई मसाले भी नहीं डाल रहे हैं। तो काली मिर्च से एक बहुत ही अच्छा इसमें अरोमा भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो बस ये देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। ज़्यादा घी मैंने नहीं लिया था इसलिए साइड में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे घी छोड़ता हुआ नहीं दिखेगा। और मसाला अच्छे से भुन जाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो हमने काजू वगैरह डाला है ना उसका कच्चापन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, ये व्रत वाला ही सॉल्ट है, सेंधा नमक, और ये इस तरीके से ब्लॉक्स में कन्वर्ट रहता है। तो ये ध्यान रखना आपके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, अदरवाइज़ क्या होता है कभी कभी एक बाइट में एक बहुत बड़ा सा नमक का बॉल जो है वो मुँह में आ जाता है। तो अच्छे से मिक्स हो जाए वो आप ध्यान रखना। और बस इसको यहाँ पर आप इस स्टेज पे चाहो तो क्रीम वगैरह या दही अगर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें क्रीम वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसको प्लेन ही बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए और बस इसको एक बॉयल आने के बाद मैं इसमें पनीर डाल दूँगी और सब्जी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। आप इसके अंदर जो भी सब्जियां व्रत में खाते हो लाइक कैप्सिकम वगैरह अगर खाते हो तो वो भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हो, बट मैंने एकदम प्लेन सी शाही पनीर टाइप की एक ग्रेवी शेयर की है। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है, हमारी ग्रेवी जो अच्छे से पक चुकी है और बस अब इसके अंदर हमको पनीर जो हमने रोस्ट किया, आप कच्चा पनीर भी डाल सकते हो बट थोड़ा सा इसको घी में फ्राई जैसा कर लोगे तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है। बाकी अपनी प्रेफरेंस है, आप खुद बना रहे हो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ही सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसमें देख सकते हो आपकी कोई मसाले नहीं गए, बट ये बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे ही सब्जी भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती से मैंने इसको गार्निश कर दिया है और आप इस सब्जी को समाकर राइस बना करके उसके साथ खा सकते हो। पूड़ी वगैरह जो कुट्टू की बनती है, सिंघाड़े के आटे की बनती है, आप उसके साथ भी खा सकते हो। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब डेली बनाओ डेली खाओ। तो ये एक आइडिया मैंने दिया है, बाकी आप बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो व्रत में ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, पनीर भुर्जी भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप इसको ट्राई करने वाले हो या नहीं। अब बात कर लेते हैं वर्कआउट्स के बारे में। सो वर्कआउट एक ऐसा चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और जब आप 9 दिन व्रत रहते हैं आपको पूजा करना होता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से आधा एक घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं जो भी, लेकिन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वाला वर्कआउट आप थोड़ा होल्ड पर डाल दीजिए, क्योंकि आप उस तरीके से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। सो इसीलिए इंटेंस वर्कआउट छोड़ करके मैं अपनी अगर चॉइस बताऊँ तो मुझे लगता है कि आप अगर
सूर्य नमस्कार कर लें और 10 मिनट के लिए आप प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम होता है, कपाल भारती होता है, ये वाले भ्रामरी होता है, ये वाले अगर आप कर लें, और ओम की चैंटिंग जो होती है वो अगर आप कर लीजिए, तो ये 15 से 20 मिनट में आपकी जो एक्सरसाइजेज हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है करने में। प्रैक्टिस के साथ में आप बहुत ही ईजीली उसको कर पाते हैं। सो 5 अगर आप एकदम शुरू कर रहे हैं तो 2 या 3 प्राणायाम ही शुरू करें, बहुत ज़्यादा ना करें। और अगर आप रेगुलर करते हैं तो 5 सूर्य नमस्कार और 10 मिनट के लिए आप प्राणायाम कर लीजिए। ये वर्कआउट मेरे हिसाब से 9 दिन के लिए परफेक्ट होगा। एंड उसके अलावा ध्यान रखिए कि लेजी नहीं होना है, सोते नहीं रहना है, दिन भर अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, और खाना खाने किसी भी मील को लेने के बाद आपको जस्ट जाकर के सोना नहीं है, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स तक नहीं सोइए, और दिन में आप आधे घंटे का नैप जरूर ले सकते हैं। सो ये तो हो गई डाइट की बात, टाइमिंग्स की बात एंड वर्कआउट्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहली चीज आती है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे भी हम सब जानते हैं कि पानी बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन स्पेशली जब आप फास्ट रहते हैं तो आपको पानी जरूर इंक्लूड करना चाहिए। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको जरूर, मतलब हर 1.5 घंटे में आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक ग्लास पानी 250 ml का जो होता है वो आप पीते रहिए, मेंटेन कीजिए इस चीज को। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपकी बॉडी एनर्जी बनी रहती है, आपको थकावट नहीं महसूस होती। आप कभी भी पी के देखिएगा कि अगर आप हर 1.5 घंटे में पानी पीते तो आपको भूख भी कम लगती है और आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। सो पानी आपको जरूर रखना है, और पानी को आप कई फॉर्म में ले सकते हैं, शिकंजी बना करके पी सकते हैं, मीनवाइल आप जीरा वाटर ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपको आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो हो रहा है वो भी अच्छे से हो पाएगा। सो ये चीजें आप रखिए, और दिन में 2 बार जैसा कि मैंने बोला आप ग्रीन टी, कोशिश कीजिए कि दिन में आप 2 बार जरूर ले लीजिए, इवनिंग के टाइम ले लीजिए, मॉर्निंग में आप ले लीजिए, इस तरीके से आप जब भी आपको लगे तो आप ग्रीन टी, लेमन टी, ये वाली जो चीजें हैं आप घर में बना करके लीजिए। शुगर को आप कट डाउन कर दीजिए, और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल कट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा लो फील करेंगे, इसलिए आप मतलब अवॉइड कीजिए, कम कीजिए, ताकि दिन भर में थोड़ी थोड़ी भी शुगर जो इकट्ठी हुई तो वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि व्रत में खाना कुछ ऐसा ही रहता है। इसलिए आप हो सके तो गुड़ वगैरह को, या फिर जो भी गुड़ वाली शक्कर आती है आप वो चीजों को अगर यूज कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा चाय, कैफीन वगैरह, कॉफी वगैरह भी मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए, दिन में 1 कप तक आप ले सकते हैं वो सही रहेगा, ताकि आपकी बॉडी में एसिडिटी ना प्रॉब्लम बने और आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ना हो। मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि खाली पेट कभी भी फ्रूट जूस ना ले, वो ज्यादा मतलब वो सही नहीं रहता, क्योंकि अगेन वो एसिडिटी क्रिएट करता है, और बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह कोकोनट वाटर लेने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे होती है। सो आप इवनिंग के टाइम पे कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और फ्रूट जूस भी अगर आपको लेना है तो फ्रेश फ्रूट जूस आप घर में बना करके ले सकते हैं, और बाहर का लेने से मतलब घर का ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरी चीज कि आप जितना हो सके डीप फ्राइड चीजें अवॉइड कीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम वड़ा वगैरह बनाते हैं या आलू तलते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो वो चीजों को आप अवॉइड कीजिए, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि जब व्रत होता है तो अगले दिन उनकी तबीयत खराब होती है, तो या तो वो ओवर ईटिंग की वजह से होती है या फिर वो अंडर ईटिंग की वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो ये चीजों से आप बचे, और जो मैंने आपको चार्ट दिया है इसको आप टाइम से फॉलो कीजिए तो आपको रिजल्ट भी जरूर देखने को मिलेंगे। आप 9 दिन बाद जरूर आप 5 kg के आसपास जरूर अपना वेट लूज कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आप व्रत खोले तो 9 दिन तक, क्योंकि आपकी बॉडी एक स्पेस पे आ चुकी थी, मेटाबॉलिज्म आपका एक पेस पे आ चुका था, तो जब आप 9 दिन बाद व्रत खोलेंगे तो आप फिर एकदम से छोले भटूरे या फिर कोई भी ऐसे हाईफाई सी चीजें खाने लग जाएंगे, तो जो आपका स्टमक है उस पर एकदम से लोड आ जाएगा और वो झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो उसको भी आप ग्रेजुअली फ्रूट्स के साथ में और धीरे धीरे करके आप चीजों को अगर खाया तो ज्यादा सही रहेगा। सो एकदम से अपने पेट पे लोड ना दे दे कि भाई आज 9वां दिन खत्म हो गया, आप कल 10th day है और बस अब तो मैं सब कुछ खा सकते हैं, उस चीज पे आप मत कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि जितना भी आपने लूज किया होगा वो एकदम से बढ़ जाएगा, प्लस आप अच्छा भी नहीं महसूस करेंगे। सो यस, यही सारी चीज़ें हैं, और आप इन चीज़ों को अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा आपका नवरात्रि का दिन रहा। इनमें से कोई रेसिपी चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीक वीडियो आने वाला है वेट लॉस से ही रिलेटेड, जो आज आने वाला था, बट क्योंकि नवरात्रि कल ही परसों में है, सो इसीलिए मैं ये वीडियो पहले डाल रही हूँ, वो वीडियो मैं बाद में डालूंगी। तो वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये इसकी फोटो चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, मैं आपको ये फोटो भेज दूंगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और हैप्पी नवरात्रि। बाय।